आज की कहानी एक वीरान इलाके से शुरू होती है जो शहर से बहुत दूर था इस खूबसूरत सी लड़की का नाम चैसी है जो अपने परिवार से मिलने दूसरे शहर जा रही थी उसे रास्ते में एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा था मांगी उसे ध्यान से देखकर उसे लिफ्ट दे देती है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते है इस लड़के का नाम मैक्स था और वो चैसी को बताता है की मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा था लेकिन मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गयी कुछ देर बाद जैसी कुछ खाने पीने के लिए एक बार में आकर रुकती है जो बीच रास्ते में ही था ये बार शहर से काफी दूर एक वीरान सी जगह में था अब बार में चैसी और मैक्स दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी कुछ बदमाश अंदर आ जाते हैं बदमाशों का बॉस कहता है मेरा नाम जॉय है इसका नाम जॉन और ये बिमल खाने वाला जॉर्डन है इतना कहकर वो चैसी को पकड़ लेता है और बाकी बदमाश मैक्स को मारने लगते है अब जॉय कहता है पहले इस हीरो का भेजा ठीक पड़ेगा तभी वहाँ टेरा आकर कहती है खबरदार अगर मेरे बार में कचरा फैलाया अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी मनहूस शक्ल लेकर जहाँ से निकल जाओ टेरा की गन और उसके इरादे देख सभी बदमाश वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद जैसी राहत की सांस लेती है और मैक्स बाथरूम में चला जाता है थोड़ी देर बाद जब मैक्स बाहर नहीं आता तो जैसी बाथरूम में आकर उसे पुकारने लगती है काफी पुकारने के बाद भी मैक्स की कोई आवाज नहीं आती धर टेरा शायद बार बंद करने वाली थी और तभी वहाँ फ्रेड नाम का आदमी आता है दूसरी तरफ चैसी की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है जो अंदर से बंद था फिर वो टेरा के पास जाकर उससे मैक्स के बारे में पूछती है टेरा बताती है कि उसने मैक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया उसका जवाब सुनकर चैसी को लगा कि शायद मैक्स चुपचाप ही उसे छोड़कर चला गया उसी वक्त वहाँ फ्रेड आता है लेकिन टेरा कहती है कि अब तो बाहर बंद हो गया है वो सफाई कर थोड़ी ही देर में चली जाएगी तभी जैसी भी बाहर से बाहर निकलती है और फ्रेड भी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है फिर वो जैसी के पास आकर कहता है मेरा नाम फ्रेड है और मैं रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ मेरा घर यही पास ही है अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ लेकिन जैसी चुप रहती है जिसके बाद फ्रेड वहाँ से चला जाता है कुछ देर बाद टेरा बार को बंद करती है और वहाँ से चली जाती है लेकिन जैसी अभी भी वहीं थी और टेरा के जाने के बाद वो अपनी गाड़ी की डिगी से कुछ औजार निकालती है क्योंकि चैसी को लग रहा था कि मैक्स के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसका शक गुप्त दरवाजे पर जाता है वो बार का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर आती है और अंदर आकर गुप्त दरवाजा खोलने लगती है थोड़ी कोशिशों के बाद वो दरवाजा खोल लेती है और तभी उसके पीछे खड़ी टेरा उस पर जोरदार वार करती है अगले दिन सुबह टेरा अपने घर में काम कर रही थी उसका घर उसके बार के बिल्कुल करीब ही था अब उसके पास मैक्स आता है इसके सामने चैसी एक पिंजरे में कैद थी टेरा चैसी से कहती है उठो प्यारी लड़की देखो मेरा बेटा भी जाग चुका है मैक्स की सच्चाई जानकर कर चैसी हैरान थी इस तहखाने में और भी कई लोग कैद थे अब मैक्स सभी कैदियों को खाना देने लगता है और टेरा चैसी से कहती है उस गुप्त दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था इस वक्त तुम मेरे घर में हो इसी दौरान मैक्स की नजर एक कैदी पर पड़ती है जो शायद बेहोश था वो उसे देखने के लिए पिंजरा खोल कर उसे निकालता है अचानक कैदी उठकर मैक्स को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है तभी टेरा उसके माथे पर जोरदार वार करती है अब चैसी के सामने कैदी तड़प रहा था जबकि माँ बेटे उस पर जरा सा भी रहम नहीं करते उल्टा वो दोनों तो कैदी का खून इकट्ठा करने लग जाते हैं बेचारी चैसी उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कुछ देर बाद चैसी के साथ कुछ बुरा होने वाला था उसे एक अजीब सी चेयर पर बांध दिया जाता है जिसे देख किसी के भी रूह कांप जाए दूसरी तरफ बार में आज फ्रेड नाश्ता करने आया था नाश्ता करने के बाद वो जब बाहर आता है तो उसकी नजर चैसी की गाड़ी पर पड़ती है गाड़ी की हालत देख उसे टेरा पर शक होता है उधर टेरा अपने घर के पीछे लाशों को काट ठिकाने लगा रही थी मैक्स उसके पास आकर कहता है फ्रेड का हमारी बार में बार बार आना ठीक नहीं टेरा उसकी बात सुनकर कहती है मैं पहले इन टुकड़ों को तेजाब में फेंक दूं, फिर मैं फ्रेड के बारे में सोचूंगी तब तक तुम जाकर लड़की से खून निकालो मैक्स को अपनी माँ पर पूरा यकीन था और वो आकर अपने काम पर लग जाता है वो पहले जबरदस्ती चैसी को कोई चीज पिलाता है और फिर उसके शरीर से खून निकाल कर एक जगह इकट्ठा करने लग जाता है इसके बाद रात को दोनों माँ बेटे चैसी को कहीं ले जा रहे थे चैसी के साथ एक और कैदी भी था जिसका नाम स्मिथ था मैक्स और टेरा दोनों को लेकर एक कैबिन के पास आते हैं फिर वो दोनों कैबिन के बाहर ही चैसी और स्मिथ को जानवरों की तरह लटका देते हैं अब टेरा पहले चांद की तरफ देखती है और फिर मिट्टी को ध्यान से देखती है इसके बाद वो एक चाकू निकालकर उससे उसे चैसी के पैर पर कट लगा देती है अब जमीन पर चैसी का खून गिरने लगा था जिसके बाद जमीन से कई शैतान बाहर निकलते हैं ये शैतान धीरे धीरे चैसी और स्मिथ की तरफ बढ़ रहे थे एक शैतान टेरा के पास भी जाता है और टेरा उसे खून पीने को देती है दूसरे शैतान चैसी और स्मिथ के पास पहुँच जाते हैं अब एक शैतान स्मिथ को खाने लग जाता है और बेचारा स्मिथ गला फाड़ कर चिल्लाता है अगले दिन सुबह मैक्स जेसी को बताता है, मेरी माँ पहले ऐसी दबकर मर गया था मेरी माँ मेरे भाई को बहुत प्यार करती थी और वो उसे फिर से जिंदा करना चाहती थी मेरे भाई को जिंदा करने के लिए मेरी माँ ने काले जादू का सहारा लिया इस जादू ने मेरे भाई के साथ साथ उसके साथियों को भी जिंदा कर दिया था जो उसके साथ माइंस में दबकर मरे थे इस जादू के मुताबिक हम जमीन के नीचे दबे हुए लोगों को चांदनी रात में जिंदा कर सकते हैं लेकिन उन्हें हर बार इंसानी खून देना होगा हर चांदनी रात को मेरी माँ अपने बेटे को जिंदा करती है और दिन निकलते ही वो वापिस जमीन में चला जाता है मैं हैरान हूँ की उन आदमखोर शैतानों ने तुम्हे क्यों जिंदा छोड़ दिया जरूर तुम्हें कोई खास बात होगी पिंजरे में कैद जैसी उसकी सारी बातें ध्यान ऐसी सुन रही थी दूसरी तरफ फ्रेड टेरा से मिलने उसके घर आता है वो आकर उसे चैसी के बारे में पूछता है लेकिन टेरा कहती है वो लड़की तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन वो आई थी तुम मेरे घर पहली बार आए हो तो कॉफी तो जरूर पीकर जाना फ्रेड उसकी बात मान उसके घर में आ जाता है टेरा पहले कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाती है और फिर उसे फ्रेड को देती है कॉफी पीकर फ्रेड बेहोश हो जाता है और टेरा उसे लेकर तहखाने में आ जाती है वो उसे भी कैद करना चाहती थी मगर तभी फ्रेड उठकर उसे ही पिंजरे में कैद कर देता है अब फ्रेड कहता है मुझे तुम पर पहले ही शक था इसीलिए मैंने कॉफी नहीं पी थी मैं तुम्हारा सच जानने के लिए बेहोशी का नाटक कर रहा था इतना कहकर वो चैसी को पिंजरे से बाहर निकालता है बाहर निकल कर चैसी टेरा की गन उठाती है और उसका मुँह टेरा की तरफ करती है वो टेरा को मारना तो चाहती थी लेकिन उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी थोड़ी ही देर बाद वहाँ मैक्स भी आ जाता है और चैसी उस पूछती है मुझे कोई एक कारण बताओ ताकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकूं। उसकी बात सुनकर मैक्स उसे दूसरे कमरे में लाकर कहता है यही है वो किताब जिसे मेरी माँ पढ़ा करती थी वो शैतान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जैसी अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उन्हें मारना पड़ेगा और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा दूसरी तरफ टेरा मौका दे फ्रेड को पकड़ लेती है फिर वो आजाद होकर उसे जान से मार देती है उधर मैक्स और जैसी भी उसी कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे जहां आदमखोर शैतान स्मिथ को खा गए थे वो दोनों शैतानों को मारने जहाँ आए थे लेकिन आज कैबिन में बदमाश आकर बैठ गए थे उसी वक्त जैसी की नजर जॉर्डन पर पड़ती है जो उन्हें देख कर हस रहा था वो दोनों को कैबिन में लाकर कहता है देखो जॉय कौन मेरे हाथ लगे है जॉय कहता है हम तो इस खाली कैबिन में आराम करने रुके थे लेकिन आज जहाँ पुराना हिसाब किताब होगा तभी खिड़की तोड़कर फ्रेड का सिर अंदर गिरता है और सिर फेंकने वाली टेरा थी फ्रेड का कटा हुआ सिर देख कर जॉय हैरान था और मैक्स कहता है वो शैतानों को बुलाना चाहती है उसने जमीन पर खून फेंक दिया होगा और वो शैतान बाहर निकल कर हमें मार देंगे ये अजीब सी बातें सुनकर जॉय गुस्सा करता है और मैक्स उसे शैतानों के बारे में सब कुछ बताता है वो ये भी बताता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे इसके बाद वो कैबिन में छुपाए हुए हथियार निकालता है ताकि शैतानों को रोका जा सके वो कैबिन को भी अंदर से बंद कर लेते हैं अब जैसे ही अंधेरा होता है तो बाहर खड़ी टेरा कहती है मैक्स चलो बाहर आओ मुझे पता है कि तुम इस लड़की को चाहते हो और इसे बचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो तभी जॉय बाहर आकर टेरा पर गोली चलाता है जो उसकी टांग पर लगती है अब टेरा का खून भी जमीन पर गिर रहा था और तभी जॉय दूसरी गोली भी चलाता है अब मरते मरते टेरा कहती है तुम सभी मरने वाले हो उसी पल एक हाथ जॉय के शरीर के आर पार हो जाता है ये हाथ शैतान का था और वो उसका कलेजा निकाल कर खाने लगता है अब सभी शैतान जमीन से बाहर निकल आए थे जिन्हें देख कर सभी डर गए थे जॉर्डन और चैसी उन पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता जॉन तो डर के मारे एक धार्मिक पढ़ने लग जाता है अचानक एक हाथ जॉर्डन के शरीर को चीर कर कैबिन का दरवाजा खोलता है अब शैतान अंदर आ चुके थे और कैबिन में आग भी लग चुकी थी चैसी और मैक्स शैतानों को रोकने की काफी कोशिश करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता धीरे धीरे आग भी पूरे केबिन में फैल जाती है और चैसी खिड़की से कूद बाहर आती है अब पूरा केबिन जलने लगा था और चैसी अपनी जान बचा भागती है वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसे बहुत सारे शैतान घेर लेते हैं इतने सारे शैतान देखकर जैसी डरकर बेहोश हो गई थी कुछ दिनों बाद आज एक गाड़ी बार के पास आकर रुकती है आज मैक्स फिर से किसी लड़की को बार में लेकर आया था लेकिन इस बार टेरा की जगह चैसी थी मैक्स फिर से बाथरूम की तरफ जाता है और चैसी उसका इशारा समझ गई थी कहानी के आखिर में मैक्स और चैसी एक हो गए थे और दोनों मिलकर काम करने लगे थे वो दोनों आज भी आदमखोर शैतानों के लिए इंसानों का इंतजाम करते थे हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार